दिन छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस है, कैसा जो भी परफॉर्मेंस होगा अंदर जाके ही पता चलेगा। भाई गुलाब जामुन खा के आए हो फिर भी आइसक्रीम खा दी भाई मीठे बहुत मीठा होना। कितने गुलाब जामुन खा गए? कितने गुलाब जामुन? तो यहाँ से शॉर्टकट निकल रहे हैं, ये शॉर्टकट है, हम पहले लॉन्ग कट्स में से आ रहे थे तो थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, लेट भी हो रहे हैं तो निकल लेते हैं यहीं से। सर ने बताया मुझे कि यहाँ से शॉर्टकट है, तो सीधा गए बाहर गेट के पास। तो ये देखो बोर्ड भी लगा दिया है और ये स्टेडियम का गेट है, यहाँ से अंदर जाना है। ये टूर्नामेंट का बोर्ड लगा दिया, यहाँ से एंट्री है सीधा स्टेट। अच्छा ये मतलब एक साई के साई होता है ना जैसे, ऐसे बना रखा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है तो ऐसे ही ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है यहाँ का। तो देखो कितना अच्छा लिख रखा है वेट लिफ्टिंग, ये वेट लिफ्टिंग का इस साइड में मतलब ग्राउंड वगैरह है तो वेट लिफ्टिंग लिखा हुआ है, कितना अच्छा। साफ़ सफाई काफ़ी देखभाल और अच्छा लगा के अंदर। तो चलो अभी हॉकी की ग्राउंड की तरफ चलते हैं, आई थिंक यही होगा, यहाँ लाइटें लगी ना, यही होगा हॉकी वाला ग्राउंड। तो गलतफहमी हो गई, जो लाइट दिखी थी ना हॉकी के ग्राउंड की नहीं है, फुटबॉल के ग्राउंड की है। तो हॉकी का ग्राउंड उसी के अपोजिट साइड दूसरी साइड है। तो आवाज़ें आ रही है कि जहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है तो पहुँच जाएंगे, आवाज़ें सुन सुन के ही। पहले आया था रेसलिंग का ग्राउंड, अब आ गया है एथलेटिक्स वालों का ग्राउंड, अच्छा बना रखा है बिल्कुल। ये देखो तो ये यहाँ पे गेम है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस, रेसलिंग, ये सब ग्राउंड। तो अब चलते हैं हम अंदर, मौसम अच्छा हो गया है धीरे धीरे और बिल्कुल ग्राउंड के बीचों बीच, सॉरी स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच वीर शिवाजी, जो महाराष्ट्र की शान और देश की शान तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कितना अच्छा मतलब मूर्ति लगा रखे, इसका स्टेडियम का नाम भी श्री शिव, श्री शिव शिवाजी ऐसे कुछ नाम है, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। हॉकी के ग्राउंड के पास मैं आ गया हूँ और मार्च पास्ट के लिए भी टीमें रेडी हो गई है। तो मेरे पीछे मार्च पास्ट स्टार्ट होने वाला है, पीछे ग्राउंड है हॉकी का और अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। मैं सही बिल्कुल सही टाइम से आया हूँ, ना लेट ना तो ग्राउंड में आ गया हूँ और मार्च पास्ट स्टार्ट होने वाला है। बार बार फ़ोन आ रहा है रवि का और उसको नहीं पता मैं आके बैठ गया हूँ। ये सब रेडी हो गए, हमारी टीम दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखो ब्लू ब्लू है ना, जो ये ब्लू ब्लू बीच में दिख रहे हैं ये सब। तो पास से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में, तो अब जगह देख के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो जो परफॉर्मेंस करके आ गए वो तो बाहर आ गए, जो है लेकिन वो अंदर अभी करेंगे। तो चलो अंदर चलते हैं और रास्ता देखते हैं अंदर जाने का। तो अब छोटे छोटे बच्चे दोबारा आ गए हैं जो गरबा स्टाइल डांस करेंगे, ड्रेस देख के तो यही लग रहा है, बाकी जब होगा जब पता चलेगा। तो इन छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस है, इनके बाद आप कौन से सॉन्ग पे कर रहे हो परफॉर्मेंस बताओगे? सरप्राइज, ठीक है अच्छा करना। ओके कौन से स्कूल से हो? तुमने तो बताया नहीं कि कौन से, कह रहे सरप्राइज है हमारा डांस जो होगा, कौन से गाने पर होगा, क्या होगा, तो जो करके आए उनसे पता कर। ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पहले किया था डांस, तो उससे कौन से स्कूल से हो आप? कौन से स्कूल, विच स्कूल? SNBP। ओके इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा किया आपने, ये वेरी गुड। तो अब जो एक लास्ट परफॉर्मेंस बचा हुआ है वो इनका बचा हुआ है जो रहती है। क्या नाम है आपका? चिरंजीवी। अच्छा डांस किया आपने, सबने बहुत अच्छा डांस किया। हाँ ओके,
अब ये जो डांस कर गया है, बड़ा अच्छा डांस किया बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा डांस किया। कौन से स्कूल से हो आप? ये बहुत अच्छा डांस किया आप सबने, और अभी इनका परफॉर्मेंस हो गया है तो अब ये सब पीछे जा रहे हैं। दूसरी टीम जो रहती है, लास्ट डांस बचा है, वो आएंगे सब। नाम आपका? कौन से स्कूल से हो? ये बहुत अच्छा डांस किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। कहाँ से सीखा? संदीप सर ने सिखाया। अच्छा डांस किया सबने, वेरी गुड। ये व्लॉग का चैनल है तो से हेलो। अच्छा किया सबने डांस, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। ओके तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है टीम SNBP। मतलब जितने भी परफॉर्मेंस हुई है सब SNBP के ही है, बाहर से किसी को कोई नहीं बुलाया हुआ। तो छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो बोल रहे अच्छा परफॉर्मेंस किया सबने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओके तो छोटे छोटे भी थे, सब स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स वगैरह सब मिक्स होके काफ़ी अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। लास्ट जो था मतलब SNBP को समर्पित था, ये बहुत अच्छा किया सबने। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। जो टूर्नामेंट होता है, 6 टूर्नामेंट है, वो इनके नाम से हो रहा है। तो यही SNBP थलाइवा ये। ओके तो सब स्कूल के बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो परफॉर्मेंस का अब सब एंड हो गया है, और अब लास्ट जो मार्च पास्ट स्टार्ट होगा वो टीमों का होगा, और टीम रेडी है। तो मैं चलता हूँ अब, और मैच स्टार्ट होना है। हुआ क्या कि इस साइड का जो पंप था ना, वो ख़राब हो गया है, इसलिए टैंकर की व्यवस्था करके यहाँ पर ये देखो टैंकर ला के और पानी का जुगाड़ किया गया है। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ तक टैंकर आ गया, नहीं तो कोई टैंकर आने का चांस नहीं होता ग्राउंड के आसपास। तो ये अब इस साइड पानी नहीं लगेगा, इसलिए टैंकर भी परफॉर्मेंस था पहले स्टार्ट, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कल्चरल प्रोग्राम, जो भी छोटा मोटा मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस था और स्कूल का परफॉर्मेंस था, सब स्कूल के बच्चे थे, मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ है, इनको ये फ़ायदा है कि देखो स्कूल के ही सारे बच्चे परफॉर्म करने के लिए रेडी कर दिए और सब आ गए, नहीं तो अदरवाइज़ बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता परफॉर्मेंस के लिए, उन्हें पे करना पड़ता। तो अच्छा हो गया, अब बस लास्ट प्लेयरों का मार्च पास्ट बचा हुआ है, जो टीमें आई हुई है। तो बैठते हैं, चलो अब छाया में चल के। टीमें जो बची है, ये जो भी परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब अभी तो मार्च पास्ट में क्या होता है कि सारी टीमें नहीं आती, जितनी भी टीमें आ रही है सब, ये देखो ये स्टार्टिंग में इधर आगरा, फिर दिल्ली और SNBP जो यहीं की होम टीम है, तो सारी रेडी है मार्च पास्ट के लिए, अब फ्रंट में आ गए। तो मार्च भी हो गया था और एक मैच देखने लग गए थे, अच्छा मैच हो रहा था, तो मैच भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अब टाइम हो गए 1:20, और टाइम हो गया है लंच का, तो पहले लंच करते हैं, फिर लंच के बाद 4 बजे मैच है। थोड़ा थोड़ा बच्चों को बोल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा खा कर फिर अपना मैच है, तो उसके लिए चलो चलते हैं मैच में सीधा, यहीं से करते लंच पे आ गए, देखते हैं लंच में। चम्मच दो, ये चम्मच का तो दिक्कत है बड़ा। चलो कोई बात नहीं, तो खाना करते स्टार्ट। और अब
लंच करके मार्च पास्ट करके अपने रूम पे आ गए हैं। अब 2 बज गए तो उसके बाद जाएंगे मैच खेलने के लिए। तो बच्चों को टाइम दे दिया, 3 बजे सब रेडी हो जाना, 3 बजे सब निकल लेंगे, 4 बजे हमारा मैच है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सबने खाना खा लिया जिनका मैच है, तो मैच के लिए जाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 3 बजे निकलेंगे ग्राउंड से। 1 घंटे की नींद लेने के बाद 3 बज गए और अब मैच 4 बजे मैच है, तो ग्राउंड की तरफ निकलते हैं। बच्चे चले गए बाहर, मैं निकल रहा हूँ। तो अब मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। 4 बज गए, 10 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैच चल रहा था, तो पानी लग रहा है ग्राउंड में। और हमारा मैच कोलकाता की टीम से है, पहला मैच। तो अच्छा मौसम हो गया, शाम का आखिरी मैच है, तो मैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैच में वीडियो बना नहीं सकते, अलाउड। और मैच स्टार्ट होने वाला है, हमारे 11 प्लेयर्स खड़े हो गए हैं, बाकी ये सब एक्स्ट्राज बैठे हैं, सबका नंबर आएगा। तो पानी की बोतल भर लो भाई सारी, और मैच स्टार्ट होने वाला है। वीडियो बनेगी नहीं, तो चलो मैच के बाद बताता हूँ क्या रिजल्ट। टीम स्टार्ट, मैच स्टार्ट होने वाला है, टीम जाती हुई, और पानी भी लग गया है। तो चलो मैच प्ले होता है, उसके बाद फिर देखते हैं रिजल्ट और बताता हूँ। मैच ख़त्म हो गया है, कितने 9-1 नहीं 9-1 था, 1-1 का स्कोर रहा और लड़के जीत गए पहला मैच। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। चलो कमरे पे चलो फटाफट सामान उठाओ। अपना काम कर दिया ना, खत्म, गलती होगी नहीं। अनिल से मैं कह रहा हूँ बोल राइट हाफ फेंक, चल पैर के लग गई, फाउल मिल गया, दोबारा राइट हाफ की बन रही है, फिर नहीं फेंक रहा। तो बीच में से क्यों फेंक रहा, बीच में से बोल कभी नहीं जाती। जो जिस जिस खिलाड़ी को खेलना भी नहीं आता ना, वो रख देगा इनको, ये बता रखा है बोल ऐसे रुकेगी, तो रख देंगे ना, नहीं गई ना एक भी बीच। राइट हाफ खेल वो लाइन पे खेल देगा, लेफ्ट हाफ खेल लाइन पे खेल देगा, नहीं बनेगी एक बार दे फिर दोबारा ले ले, फिर इधर फेंक दे, उधर से नहीं बन रही फिर ले ले, साथ में सपोर्ट में। मैच भी हो गया यार, सब खेल भी लिए, फोटो भी खींच गई वीर शिवाजी के पास इनकी, तो लड़के जीत भी गए 9-1 से। तो अब कल मैच है 12-1 बजे, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद, टाइम हो गया 6:50, और जाके डिनर करते हैं आधे घंटे बाद। इतने थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लेंगे लड़के सारे, तो 2-4-5 तो आगे चले गए, कह रहे पानी नहीं आ रहा जल्दी, 5 बजे तक पानी आएगा। पानी हो गया ख़त्म इनके कमरे में, क्योंकि होएगा ही 11-11 एक कमरे में रुके हुए ये, हाँ तो पानी तो ख़त्म होना ही है। तो चलो अब चलते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, तो चलो निकलते हैं। अब थोड़ा डिनर का टाइम हो गया, 7:40 हो गए, तो डिनर कराते, डिनर भी स्टार्ट हो गया, टाइम से डिनर हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर घुमाएंगे। तो चलो विवेक है, तो डिनर खाने चलो। चलो भाई, हाँ चिकन डिनर नहीं है लेकिन, कोई नहीं आई जाओ, कल तू कह रहा था चिकन ने बना है, मेरे को खुशबू आ रही है। नवरात्रों में चिकन खिलाएगा बच्चों को, मरवाएगा क्या। चल चल रहे आ रहा हूँ मैं डिनर में, देखते क्या बनाया हुआ है। अब लड़के 2-4 टाइम से पहले पहुँच गए, आ रहा हूँ मैं भी, तो देखते डिनर। तो प्याज ले लेते हैं, चम्मच की बड़ी दिक्कत है यार मेरे से, चावल खाए नहीं जाते चम्मच। मिल गई चम्मच, मिल गई। और थोड़ा सा लेते अपना अचार, 1 नंबर का अचार है। और रोटी लेते हैं, बड़ी बड़ी रोटी देखो कितनी बड़ी बड़ी पतली पतली 1 नंबर की रोटी बनी हुई है। सुबह मैं रोटी दिखा नहीं पाया था, बाद में ली थी मैंने, तो रोटी ले ली। सब्जी किस चीज़ की भाई है, छोले डाल दो, छोले कड़ी, ये कड़ी है, है? डालो देखते क्या है। अच्छा थोड़े चावल डाल दो, ये यहाँ की सब्जी होगी ना महाराष्ट्र का। किस चीज़ का बनता है ये, चना का बेसन रहता है। हाँ हाँ चने के बेसन की सब्जी, क्या नाम है इसका, पिठला, पिठला। वो गुलाब जामुन भी आज, तो 3 मत दो या तो 2 दो या 4 दो। बस धन्यवाद आपका। हाँ खाना इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, मज़ा आ गया 3 दिन से। हाँ कितने गुलाब जामुन खा गए, कितने गुलाब जामुन, कितने, 7। ओ भाई सारे गुलाब जामुन तुम ही खत्म कर दो। भाई मैंने ना भी एक मिल गया गुलाब जामुन, तीनों के तीन नहीं रखे भाई, देख यार फिर मैंने 2 दिन खाया बस। बेटा ज्यादा गुलाब जामुन मत खाओ, दस्त भी लग जाएंगे भाई। मैंने 8 खा लिए, पानी लेकर तैयार हो गए, देख लेना अपना हिसाब किताब सब।
ये क्या डाल के लाए हो? पता नहीं काला कड़ी है, पता नहीं क्या निकल गया। कड़ी वगैरह कड़ी है लेके देखो, मैम ने लिया कड़ी नहीं है। मैं भी सोचा कड़ी है, बेसन की सब्जी है कोई। युवराज क्या ये ऐसे खाने को ऐसे नहीं बोलते। खाओ खाओ, उसी में मिल गए तुम्हें गुलाब जामुन, खाओ मौज लो। ज़्यादा मत खाना, दस्त लग जाएंगे। रम आएंगे। हाँ वो आएंगे, कितने खा रहे हैं? जितने मिल रहे हैं। देखियो कहीं दस्त लग जाए फिर। अभी पेट मैच के बीच में पेट पकड़ रखा था, यहाँ कोई उठाएगा भी नहीं। सबने डिनर भी कर लिया, मज़ा आ गया आज। कल भी मीठा था यूँ तो, लेकिन कल मीठे में सेवैया थी, तो आज सबको गुलाब जामुन दिए जीत की खुशी में। सब बड़े खुश हो रहे, दस दस बारह बारह खा के। हाँ तो अभी देखो मेरी साइड में बाजार लगा हुआ बड़ा लंबा सब्जी का। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। हाँ ये कल नहीं लगा हुआ था, आज लगा हुआ है सैटरडे को। तो बढ़िया अच्छे तरीके से सबने सब्जियाँ रख रखी है, हमारी तरह धरती पर नहीं रख रखी, तरीके से लगा रखी टेबलों पर। और तो चलो, एक स्पीकर इन्होंने ख़राब कर दिया था बड़ा, वो ठीक कराने भी जा रहे हैं और घूम भी आए रोटी खा के। देखते हैं कल गरबा वगैरह, मतलब यहाँ पे गरबा वगैरह हो रहा है, दो तीन पंडाल लगे हुए नवरात्रों के, तो आज देख के आते हैं। कल तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी थी, तो थोड़ा बहुत बाहर से ही कैप्चर करेंगे। तो चलो देख के आते हैं आज, तो सबको आइसक्रीम खिलाते हैं आज। सर का पैसा देने वाला है? हाँ 16 आइसक्रीम दो भाई साहब। सर का पैसा बाकी है कि भाई दे देंगे वो तो? सर जाने दे भाई, पैसे दे दो। बोल दो। सब कह रहे थे आइसक्रीम खाते, चलो मीठा हो गया, ठंडा भी हो जाता है कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो इस साइड आ जाओ तुम, इधर पीछे से इधर। अभी 10-10, 12-12 गुलाब जामुन खा के आए हुए, फिर भी आइसक्रीम खा दी। चलो चलो ओके भाई ओके, ओके भाई ओके, पीछे हो जाओ एक एक। कौन रह गया? ओके भाई ओके, सबको हो गया ना? सबको हो गया? ओके भाई ओके, डब्बा भी खा लो। सबकी पार्टी भी हो गई है, और अब वो स्पीकर ठीक करवाना है इनको, तो स्पीकर ठीक करवा लेते हैं और आगे तक घूम के आ जाते हैं, देखते कुछ नया ताजा हुआ तो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.